बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूँ कैसर मलिक, आप लोगों के साथ सर्विंग इंजीनियरिंग डिजाइनिंग इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म से। दोस्तों आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू ड्रा कट एंड फिल एरिया क्रॉस सेक्शन इन ऑटो कैड एंड कैलकुलेट कट एंड फिल एरिया। तो ये आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर आप ये देख रहे हैं कि हमारी एक साइड के ऊपर ये हमारे पास कट वाला एरिया है, दूसरी साइड के ऊपर हमारे पास इधर फिल वाला एरिया है, और दरमियान में भी इसी तरह का कुछ पार्शली कट और पार्शली फिल एरिया मौजूद है। तो इन सबको क्रॉस सेक्शन को हमने कैसे बनाना है, इसके एरिया को हमने कैसे कैलकुलेट करना है, पूरी डिटेल के साथ मैंने इस वीडियो के अंदर बात की है। ये सारे एरिए मैंने आपको अलग-अलग कैलकुलेट करके बताए हैं, उसके बाद ये आपको बताया कि आप ऊपर इसको कैसे क्रॉस सेक्शन को ड्रा कर सकते हैं, इसके एनसल्स वगैरह कैसे लगा सकते हैं। उसके लिए मैं लिप्स कमांड को भी यूज़ करता हूँ, और जो जो चीज़ें इसके अंदर यूज़ होती हैं ये आप टिपिकल सेक्शनों पर देख रहे हैं कि ये मेरे पास इधर कट वाला सेक्शन है, इधर फिल वाला सेक्शन है, इस सेक्शन के ऊपर आपने इस सेक्शन को कैसे बनाया। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये हमने सबसे पहले इधर फिल वाला एरिया बनाया था कि फिल वाले एरिए के क्रॉस सेक्शन आप कैसे बना सकते हैं। उससे पहले इससे सेकंड नंबर के ऊपर जो मेरी वीडियो अपलोड है उसके ऊपर ये कट वाले एरिया क्रॉस सेक्शन के मुतालिक बताया था, इसकी कटिंग और फिलिंग के मुतालिक। थर्ड नंबर के ऊपर ये मल्टीपल क्रॉस सेक्शन है, इसके ऊपर कट फिल भी है और उसके कैच पॉइंट और टॉप पॉइंट्स वगैरह भी हैं। तो ये आपको बहुत यूजफुल वीडियो है, इस वीडियो को आपने शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। उससे पहले मैं बता दूँ कि हम इंजीनियरिंग के सर्विसेज फ्राहम करते हैं, जिसके अंदर हम आपको टॉपोग्राफिकल सर्वे, लैंड डेवलपमेंट, टाउन प्लानिंग, लैंड मार्किंग है, रोड डिज़ाइनिंग है, आर्किटेक्ट डिज़ाइन, गूगल मैप्स, KMZ फाइल वगैरह जो भी आप बनवाना चाहते हैं उसके लिए आप मुझे इन नंबर्स के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। लैंड डिमार्केशन वगैरह है जो भी GPS के जरिए या ऑटो स्टेशन के जरिए, रोड कैनाल्स के क्रॉस सेक्शन हैं, इसकी डिज़ाइनिंग के वर्क हैं, प्लान प्रोफाइल की शीट हैं, क्रॉस सेक्शन वगैरह हैं। इसी तरह एज़बिल्ट सर्वे कोई आप करवाना चाहते हैं, उसके ड्राइंग्स बनवाना चाहते हैं, बिल्डिंग मल्टी स्टोरीज वगैरह, इसी तरह लैंड डेवलपमेंट के हवाले से कोई भी आप प्लानिंग ऑफ सोसाइटी कराना चाहते हैं, टाउन प्लानिंग, प्लॉटिंग है, रेजिडेंशियल कमर्शियल प्लॉट्स वगैरह हैं, रोड पार्क्स, ड्रेनेज सिस्टम है, सीवरेज सिस्टम, वाटर सप्लाई सिस्टम, जो भी आप डिज़ाइन या जो भी आप ड्राइंग्स बनवाना चाहते हैं उसकी सारी हमारे पास अच्छी टीम मौजूद है। टॉपोग्राफिकल सर्वे पाकिस्तान के अंदर कहीं भी आप करवाना चाहते हैं तो रोड्स, सोसाइटीज़, कैनाल, लैंड एरिया, टॉपोग्राफिकल सर्वे, मैप हम आपको करके देंगे ड्रोन के जरिए, GPS या टोल स्टेशन के जरिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से। इस तरीके से गूगल सर्विसेज हैं, आप गूगल के ऊपर कोई प्रेजेंटेशन बनवाना चाहते हैं, KML, KMZ फाइल्स वगैरह बनवाना चाहते हैं, लैंड डेवलपमेंट की प्लानिंग करवाना चाहते हैं, कोई अपना लैंड का प्लान आप गूगल के ऊपर उसकी फाइल वगैरह बनवाना चाहते हैं, वो सारी वर्किंग हम आपको गूगल सर्विसेज के ऊपर करके दे सकते हैं, जिसके अंदर हम आपको GIS सॉफ्टवेयर के जरिए भी करके देंगे, ग्लोबल मैपर के जरिए भी, गूगल अर्थ के ऊपर, जो जो से भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं सारी हम आपको इधर प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह हाउस प्लान वगैरह, कोई प्लान या इंटीरियर डिज़ाइन वगैरह आप करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास कंप्लीट टीम मौजूद है। तो जो भी आप अगर इस किस्म का पाकिस्तान के अंदर फील्ड वर्क के हवाले से काम करवाना चाहते हैं तो आप पाकिस्तान से, पूरे पाकिस्तान से मुझसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी ऊपर आपको नज़र आ रहा है, फ़ोन नंबर भी पाकिस्तान से बाहर है। तो कोई भी आप जो भी ऑनलाइन वर्किंग, कोई भी ड्राइंग्स, रोड का डिज़ाइन वगैरह का काम करवाना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पर मुझसे व्हाट्सअप के जरिए रब्ता कर सकते हैं। ये मेल एड्रेस भी मेरे पास है, तो आप ये मेल कर दें या व्हाट्सअप कर दें तो इसके सिलसिले में हम आपको अच्छी सर्विसेज इसकी फ्राहम करेंगे। तो ये आपने जो कोई भी आपके पास काम आता है या आपको कोई दोस्त यार या कोई भी कंपनी आपसे काम पूछती है तो आप मेरा नंबर उनको रिकमेंड कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल शुरू से करेंगे वीडियो। इसके ऊपर मैं आपको बता दूँ कि जो जो सी ड्राइंग्स हमारे पास रिक्वायरमेंट होती हैं, इसके अंदर ये आप ये देख रहे हैं कि फिल सेक्शन था, उसके बाद ये हमारे पास कट सेक्शन है, इसका सेक्शन बना चुके थे। आज हम बात करेंगे कट एंड फिल के ऊपर, इन सेक्शन के ऊपर, और इसी तरीके से आपने एक्सेल के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसकी सर इसकी जो एंट्री वगैरह है वो आप कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल शुरू से वीडियो को बनाएंगे। तो दोस्तों देखा, हमने सबसे पहले इस सिलसिले की वीडियो बनाई थी हाउ टू ड्रा फिल एरिया क्रॉस सेक्शन, जिसके अंदर मैंने आपको कंप्लीट फिल एरिया क्रॉस सेक्शन का तरीकाकार बताया था, इसकी क्वांटिटी का तरीकाकार बताया था कि आप इसके अंदर एरिया वगैरह कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका डिस्टेंस एलिवेशन और इसका फॉर्मेट कैसे बना सकते हैं। सेकंड नंबर के ऊपर जो इससे पहले मेरी वीडियो अपलोड हुई है, इसके अंदर मैंने आपको कट एरिया क्रॉस सेक्शन के मुतालिक बताया था कि आप कट एरिया कोई आपके पास आ जाता है तो उसके क्रॉस सेक्शंस को आप कैसे बनाएंगे। तो ये थर्ड नंबर के ऊपर जो हमारे पास क्रॉस सेक्शन आएगा वो हमारे पास इधर कट एंड फिल के ऊपर आएगा। जैसा कि ये मैंने आपको NSL बुक के मुतालिक बताया था, फील्ड बुक के मुतालिक, कि आप इसको एक्सेल के अंदर किस तरह प्लाट करेंगे। उसके बाद ये फिल एरिया का टिपिकल सेक्शन था हमारा, इसके अंदर आपने इस सेक्शन के ऊपर आपने फिल एरिया कैसे बनाना है। सेकेंड नंबर के ऊपर आप ये देख रहे थे ये हमारा कट एरिया का सेक्शन था कि कट एरिया अगर हमारे पास आ जाता तो हम उसको कैसे बनाएंगे। थर्ड नंबर के ऊपर आप ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास NSL की लाइन जा रही है, इसके अंदर एक साइड पे हमारी कट है,
दूसरी साइड के ऊपर हमारी फिल है, कट एंड फिल है। इस एरिए के मतलब इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अपना हम कट एरिया, इसके अंदर मल्टीपल कट भी हो सकते हैं, फिल भी हो सकते हैं, इन एरिया के क्रॉस सेक्शंस को हम कैसे बना सकते हैं बहुत ही इजी और सिंपल वे के जरिए। तो अभी हम जो बात करेंगे, हम अपने इस सेक्शन के मतलब बात करेंगे जिसके अंदर हमारे पास एक साइड के अंदर फिल और दूसरी साइड के अंदर हमारे पास इधर कट आ रही होती है सारा। तो इसके मतलब पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे इस सेक्शन के अंदर, किसके एरियाज वगैरह हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी क्वान्टिटी हम कैसे बना सकते हैं और इस एरिए को हम ड्रा कैसे कर सकते हैं। तो ये इसी तरीके से प्लान प्रोफाइल शीट्स के हवाले से, अगर आपने मेरी इससे पहली वाली वीडियोस नहीं देखी तो आप मेरी वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको इसके पूरे फॉर्मेट की अच्छे से समझ आ जाए। तो ये हमारे पास जो पहले वाला सेक्शन को हमने बनाया था, ये हमारा फिल वाला था। सेकंड नंबर के ऊपर 3+750 वाला जो क्रॉस सेक्शन हमने इधर ड्रा किया था वो हमारे पास इधर कट वाला था। थर्ड नंबर के ऊपर ये आप ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास इसके NSL और डिस्टेंस है, ये फील्ड बुक के हिसाब से आप लिख देते हैं इधर। इसके अंदर मैंने इसको एंटर किया हुआ, वैसे ही आपने जस्ट इसके अंदर इधर से इनपुट करना है। ये अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो आप इन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिए, इनके साथ ही अपलोड हुई है। तो इधर आप ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास डिस्टेंस वाला कालम है, ये हमारे पास एलिवेशन वाला कालम है। इनको हम ऑटोकैड में प्लॉट करने के लिए इसको हम ज्वाइंट करते हैं। इज इक्वल टू आप इधर से डिस्टेंस सेलेक्ट कर लें, एंड लगाएं शिफ्ट के साथ, डबल कामा, सिंगल कामा, डबल कामा, एंड लगाने के बाद आपने इधर से इसका एलिवेशन सेलेक्ट करके इंटर कर देना है और इसको नीचे तक जैसे तक आपके NSL लिखे हुए हैं आपने इधर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने इस पोर्शन को जैसे कॉपी कर लेना है, ये जो सेक्शन हमने इधर बनाया है। बनाने के बाद आपने इधर ऑटो कैड के ऊपर आ जाना। तो अभी आप ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास सेक्शन था हमारे पास 3+750 का, ये पूरा फॉर्मेट इधर हमने इसको बनाया था। तो इसको मैं इधर से कंट्रोल शिफ्ट एस के जरिए सेव एस करता हूँ, ये इधर से मैं इसको सेव एस कर लेता हूँ इधर न्यू फोल्डर के अंदर जाके, ताकि ये सेक्शन हमारे पास अलहदा बन जाए। 3+800 का ये हमारे पास सेक्शन होएगा, इधर से इसको मैं सेव कर देता हूँ, यस कर दूंगा। तो ये हमारे पास इधर सेव एज हो गया सेक्शन 3+800 के ऊपर, आप ऊपर देख रहे हैं। तो इस सेक्शन के ऊपर हम बनाएंगे इधर से सेक्शंस को, मैं सारा इधर से ख़त्म कर देता हूँ ये पूरे फॉर्मेट को, इसको दोबारा हम बनाएंगे। इसके अंदर सेंटर लाइन लगा रहने देता हूँ, इधर से मैं आरडी को रिप्लेस कर दूंगा, 3+800 वाली हमारी आरडी आ जाएगी। इसी तरह आप ये कट एंड फिल वाले जो सेक्शन है इसको भी ख़त्म कर देता हूँ ये पोर्शन, और नीचे से पूरा कंप्लीट इसका NSL का जो डिस्टेंस एंड एलिवेशन का फॉर्मेट है सारे मैंने इधर से ख़त्म कर दिया। अभी ये सेक्शन है, इसके अंदर हम अभी इधर से इंपोर्ट करेंगे, अपने इंसर्ट कर देते हैं अपना टिपिकल सेक्शन को। अगर आपके पास हार्ट शेप के अंदर मौजूद है तो आप उधर से इसको देख सकते हैं। तो जैसे आप आ जाता हूँ मैं इधर अपने सेक्शन के ऊपर, ये आप ये देख रहे हैं कि ये कट वाला सेक्शन है हमारे पास, ये A4 वाला, इसको मैं इधर से इंसर्ट करके इधर मैं ओके कर देता हूँ इधर, बिल्कुल ये सामने रख दूंगा इधर। तो ये आप ये देखेंगे कि ये मेरे पास सेक्शन इधर आ गया। ये सेक्शन के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये जो सेक्शन हमारे होते हैं मल्टीपल, जब हम वर्किंग अपनी करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आती हैं, जिसके अंदर हमारे पास ये सबसे पहले फिल एरिए भी होते हैं, उसके अंदर हमारे पास कट एरिया भी होता है, और उसके बाद कट एंड फिल दोनों एरिए हमारे पास आए हुए होते हैं। तो इन एरिए के मुतलिक तीसरे नंबर के ऊपर की ये मेरी वीडियो है कि अगर हमारे पास दोनों सेक्शन आते हैं जिसके अंदर हमारे पास कट भी है और फिल भी है, इस सेक्शन को हम कैसे बना सकते हैं, इसकी क्वान्टिटी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सारा कुछ मैं आपको पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, कोई भी स्टेप आपने इसमें से मिस नहीं करना। तो ये हमारे सामने टिपिकल सेक्शन है, आप ये देख रहे हैं ये डॉटेड लाइन जो जा रही है हमारी NSL की लाइन जा रही है। ये मूवमेंट एरिया होते हैं हमारे हिली एरिया के अंदर किसी साइड के ऊपर हमारी कट आ जाती है, किसी साइड को हमारी फिल आ जाती है, और किसी मल्टीपल सेक्शंस के अंदर कट एंड फिल सारा कुछ इन्वॉल्व होता है। तो इनकी क्वांटिटीज़ के लिए ये आपने टिपिकल सेक्शन को अपने सामने रख लेना है, इधर से ये आपकी ड्राइंग्स के अंदर मौजूद होता है। इधर सबसे पहले हम इसके पूरा ये टिपिकल जो सेक्शन है इसको हम ड्रा करते हैं पूरा इसके साथ। इसके बाद इसकी आप ये देख रहे हैं कि कट वाले सेक्शन के अंदर इधर वापस ये ड्रेन दे रहा है, जिसकी हाइट वापस इधर 2 मीटर की दी है और उसकी विड्थ भी इधर 2 मीटर की है। उसके बाद इधर 1.5 की स्लोप है। इधर आप ये देख रहे हैं कि जो पेमेंट की जो स्लोप आ रही है वो भी 1.5 की आ रही है, और पेमेंट की जो क्रॉस स्लोप आ रही है, जो हमारे पास पेवमेंट का जो स्फाल्ट की स्लोप होती है वो -2% दोनों साइड्स के ऊपर है। इसी तरह आप फिल वाले एरिया के ऊपर आते हैं तो इधर हमारे पास एक ही स्लोप जा रही है 2-in-1 की, क्योंकि हमारे पास इधर जो स्लोप जा रही है वो एग्जैक्ट 2 हॉरिजॉन्टल और 1 वर्टिकल की है, और इसके साथ इसने मैच करना है। तो अभी आप देख रहे हैं कि फिल वाली साइड के ऊपर हमारे पास सिंगल स्लोप है और कट वाली साइड के ऊपर हमारे पास 2 स्लोप्स हैं, लेकिन स्लोप्स की जो रेशियो है वो 1.5:1 की है। दोनों साइड्स के ऊपर जो नीचे आ रही है स्लोप ड्रेन के लिए उसकी स्लोप भी 1.5 है, और जो ऊपर जा रही है कट वाली स्लोप उसकी भी 1.5 है, और ऊपर जाके जिधर मैच कर रहा है कैच पॉइंट इस एरिया को कहा जाता है, जो ऊपर वाला कट वाला एरिया होता है जिधर हमारे पास NS के साथ मिर रहा
जाता है, उस पॉइंट को कैच पॉइंट कहा जाता है, और नीचे वाला जो फिल वाला एरिया जो एनस सर्कल साथ जाके मिल रहा होता है उसको टो पॉइंट कहा जाता है। तो ये दोनों चीज़ों के दरमियान इस तरीके से ये इसके जो वर्ड्स होते हैं वो सारे यूज़ होते हैं। कैच पॉइंट हमारा जो आएगा वो कट वाले एरिया के अंदर आएगा, टो पॉइंट हमारा जो होता है वो फिल एरिया के अंदर होता है। तो इधर आप ही देख रहे हैं पूरे इसकी डिटेल वगैरह होती है। हमें इसके अंदर सिर्फ ये जो रोड का पेवमेंट का स्ट्रक्चर है उसकी वर्ड चाहिए। हमारे पास है 15.375 दरमियान के अंदर ये जो सारे आपको नज़र आ रहे हैं इसका बैरियर है, इसके अंदर इनर शोल्डर्स वगैरह हैं, आउटर शोल्डर हैं, ये सारा पेव्ड सेक्शन है। तो ये सारा हमारा जो सेक्शन बनेगा सेक्शन हमारा सिंगल बनेगा। वन साइड के ऊपर 15.375 दरमियान में ये जो चीज़ें होती हैं ये अमूमन क्रॉस सेक्शन के ऊपर नहीं लगाई जाती हैं। ये जिस जिस तरीके से वर्किंग होती है एज बी ड्राइंग्स के अंदर ये सारी वर्किंग बताई जाती है। जो जनरल वर्किंग के हिसाब से क्रॉस सेक्शन होते हैं उसके अंदर जस्ट ये हमारा पेवमेंट स्ट्रक्चर होएगा और साथ जो इसकी स्लोप्स वगैरह होगी ये हम लगाएंगे, और ये पूरी डिटेल इसके साथ जो पेवमेंट स्ट्रक्चर आ रहा होता है उसकी पूरी जो डिटेल होगी वो सारी हम इसके अंदर बनाएंगे। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ ही रहिए, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो नीचे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आप ये टेम्पलेट के मुताबिक मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ये इधर हमारा आएगा कैट एंड फिल क्रॉस सेक्शन इन ऑटो कैड और सी क्वांटिटी के मुताबिक। तो ये हमारे पास सेक्शन है 3+800 वाला, 3+800 वाले का इधर हमारे पास एनएसएल जो होगा ये आप एक्सेल के अंदर लिखेंगे इसी फार्मेट के अंदर, और इधर से आपने प्लान एंड प्रोफाइल की शीट के ऊपर आ जाना है। जो हमारे पास ड्राइंग्स के अंदर दी गई होती हैं प्लान प्रोफाइल की शीट इसके ऊपर आपने आ जाना है। इधर आप ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास टॉप के ऊपर FRL और नीचे NSL है। तो ये हमारे पास जो है ऊपर जो है ये FRL है और नीचे NSL है, और इससे नीचे ये सुपर एलिवेशन की स्लोप दी गई होती है राइट और लेफ्ट साइड के ऊपर। ये मुख्तलिफ ड्राइंग्स के अंदर मुख्तलिफ इसका फार्मेट होता है। तो इधर हमारे पास सुपर एलिवेशन की स्लोप नहीं है, -2% जो नॉर्मल कैमर है वही है। तो इधर हमने 3+800 के ऊपर आ जाना है। इधर आप ये देख रहे हैं कि 216.38 हमारे पास ये 3+800 का एलिवेशन है। तो इधर आपने इधर ऑटो कैट के ऊपर आ जाना है इधर, और सबसे पहले हम आते हैं अपने इस सेक्शंस के ऊपर 3+800 के ऊपर। आपने जैसे पी लाइन की कमांड ले लेनी है, 0 लगाना है कॉमा 216.38 आपने उसके ऊपर एक लाइन लगा देनी है। ये आप ये देख रहे हैं कि ये लाइन हमारे पास आ रही है F8, आप इसको प्रेस कर दें स्ट्रेट कर दें और किसी डिस्टेंस के ऊपर एक लाइन लगा दें। तो ये लाइन हमारे पास इधर डॉटेड में आ रही है NSL के ऊपर, आप इसको जैसे कंटिन्यू कर दें ऊपर से इसकी जो लेयर है इसकी लेयर को आप सिलेक्ट कर लें। तो ये हमारे पास ये 216.38 के ऊपर जो हमारे पास डिज़ाइन एलिवेशन है ये वाला, इसके ऊपर हमने इस लाइन को इधर ड्रॉ कर दिया है इस सेक्शन के ऊपर। तो ये हमारे पास इधर लाइन लग गई, अभी हमने इसके ऊपर इसकी मदद से ये पूरा सेक्शन इधर क्रिएट करना। तो एलिवेशन की लाइन लगाने के बाद हमने ऊपर आ जाना है, और इधर हमने ये 15.375 का ऑफसेट लगाना है जिधर हमारे पास इधर रोड एज एंड हो रहा है। दोनों साइड्स के ऊपर आप देख रहे हैं कि 15.375 का कैरिज भी है हमारे पास, ये दोनों साइड के ऊपर हमने इसका ऑफसेट लगा देना है। तो आपने इधर आ जाना है, ऑफसेट की कमांड लेनी है और 15.375 आपने इधर ऑफसेट ले लेना है दोनों साइड्स के ऊपर, ये आपने इधर लगा देना है। ये हमारे पास इधर ऑफसेट लग जाएगा 15.375 का, ये हमारे पास इधर रोड का एज आ जाएगा, पेवमेंट स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाएगा। ये डायमेंशंस मिलीमीटर्स के अंदर लिखी हुई है, टीपी का सेक्शन के हिसाब से आपने जो भी क्रॉस सेक्शन बनाना है वो मीटर्स के अंदर बनाना है। इसके बाद हमने इधर आ जाना है, अपनी ये स्लोप लगानी है। आप देख रहे हैं कि 2% स्लोप है हमारे पास, पीछे जो थी वो हमने 1.5% की पेवमेंट स्लोप थी, इधर हमारे पास है 2% की स्लोप। तो उसके बाद हमने इसके ऊपर इस लाइन को हमने 2% स्लोप के हिसाब से लगाना है। तो जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको आपने इधर से ट्रिम कर देना है, TR की कमांड ले लेनी है, डबल इंटर प्रेस कर देना है, और ये इधर से एक्स्ट्रा लाइन को मैं इधर से ख़त्म कर देता हूँ। आपने इधर आना है और कैलकुलेटर को ओपन कर लेना है, विंडो का कर लें, या आपने सॉफ्ट कॉपी जो है उसके ऊपर। तो हमने इधर 15.375 मल्टीप्लाइड बाई 2 करना है, इजिकल टू करेंगे आप ऊपर मैं आ जाता हूँ सेक्शन के ऊपर ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए। 15.375 हमारे पास ये वाली लाइन और स्लोप हमारे पास 2% की ये वाली, तो ये टोटल स्लोप आ गई, आपने डिवाइडेड बाय इसको 100 कर देना है, तो ये हमारे पास आ जाएगी 0.3075 की स्लोप। तो आपने इधर से आ जाना है और इसके ऊपर आपने ऑफसेट की कमांड लेनी है और 0.375 जो कैलकुलेटर के ऊपर हमारे पास इधर इसकी अमाउंट आई है 0.3075, ये आपने इसकी ऑफसेट की कमांड लेके इंटर कर देना है, और जैसे आपने एक लाइन को नीचे लगा देना है। लगाने के बाद आपने दोबारा पॉली लाइन की कमांड ले लेनी है और इस पॉइंट को इस सेंटर से लेके और इधर F8 प्रेस करके आपने इस लाइन को मूव कर देना है, और इधर नीचे इस कॉर्नर के ऊपर आपने इधर आ जाना है। आने के बाद आपने इस लाइन को इधर प्रेस कर देना है, इधर से मैं इसका कलर वगैरह चेंज कर देता हूँ इसको FRL की कमांड के ऊपर जो है। तो ऊपर वाली और नीचे वाली लाइंस को आपने ख़त्म कर देना है, तो ये हमारे पास स्लोप में इधर
लैंड आ गई। इसके बाद आपने इधर से इसी तरीके से जो पेवमेंट डिज़ाइन स्ट्रक्चर है ये सारा ही आपको जो नज़र आ रहा है ये सारा आपने लगा देना है। हमारे पास एस्फाल्टिक बेस 50 mm में की है, इसी तरह एस्फाल्टिक बेस कोर्स हमारे पास 75 mm का है, वाटर बाउंड हमारे पास 30 mm का है, 300 mm का, और सब बेस हमारे पास 250 और सब ग्रेड हमारे पास 300 mm का। ये सारी डायमेंशंस जो हैं ये मिलीमीटर्स के अंदर हैं, तो इधर को आपने इसको मीटर्स के अंदर लिखना है, तो ये हमारे पास 0.050 की आ जाएगी डायमेंशंस मीटर के अंदर, और जो वाटर एस्फाल्टिक बेस है 0.075 और ये 0.30, 0.25 और 0.30 के ऊपर, तो आपने इसी तरीके से ऊपर आ जाना है इधर, और ऑफ साइड की कमांड ले लेनी है 0.05 सबसे पहले ऊपर, सबसे पहले आपने एस्फाल्टिक वेरिंग लगा देनी है, नीचे पेस्ट कर देना है, उसके बाद दोबारा ऑफ साइड की कमांड लेनी है 0.075 इंटर कर देना है, इसी तरीके से इसको सिलेक्ट करके नीचे लगा देना है, उसके बाद 0.30 हमारा वाटर बाउंड है, ये आपने वाटर बाउंड को इधर लगा देना है, उसके बाद सब बेस है 0.25 जो जो उनसे भी स्ट्रक्चर आपके सामने है आपने लगा देना है, उसके बाद नीचे हमारे पास 0.30 का सब ग्रेड का लेवल है, तो ये आपने नीचे इसी तरीके से लाइन को सिलेक्ट करके इधर लगा देना, तो ये आप देख रहे हैं कि जो स्लोप्स के ऊपर हमने लगाई थी ये सारा पेवमेंट डिज़ाइन स्ट्रक्चर इसी तरीके से स्लोप के ऊपर बनेगा। उसके बाद आपने इस सेक्शन को इधर से इसको हम मिरर कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे पास कट और फिल सेक्शन है, दोनों साइड्स के ऊपर अलग अलग है, इस सेक्शन की जो स्लोप्स वगैरह है इधर हम नसल की लाइन को ड्रा करेंगे, उसके बाद इनकी साइड स्लोप्स को लगाएंगे, तो ये सेक्शन को आपने इधर से MI मिरर की कमांड ले लेनी है, और ये पूरे सेक्शन को सिलेक्ट करना है, और इधर से आपने इसको सिलेक्ट करके और दूसरी तरफ नीचे वाले बॉटम वाली साइड के ऊपर आपने आना है और उसके इधर पेस्ट कर देना है, तो ये हमारे पास दोनों साइड्स के ऊपर ये सेक्शन इधर प्लॉट हो जाएगा। ये हमारा टीपी का सेक्शन के हिसाब से इधर चीज़ें हमारी बन गई हैंगी। अभी हमने इधर इसके ऊपर सबसे पहले NSL की लाइन लगानी है, उसके बाद इनके स्लोप्स वगैरह को लगाएंगे। NSL की लाइन लगाने के लिए नीचे आप ये देख रहे हैं कि सेक्शन इधर बना हुआ है, ये मैंने आपको पहले बताया कि आप इसको कैसे करेंगे। आपने ये जॉइंट जो हमने पी लाइन ऑटो कैड के ऊपर की है उसको हम कॉपी कर लेते हैं इधर से, ये मैं आपको स्टार्ट के वीडियो के स्टार्ट में बता चुका हूँ ये आपने कैसे बनाना है। उसके बाद आपने इसको कॉपी करना है और इधर आपने अपने सेक्शन के ऊपर आ जाना है, इधर से आपने NSL की लाइन जो लेयर बनाई है उसको सिलेक्ट कर लेना है, और इधर से आपने उसकी पॉली लाइन PL की कमांड ले लेनी है, और इधर आपने इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करेंगे तो ये हमारा NSL इधर ड्रा हो गया। तो ये लाइन लगाने के बाद आपने इस लाइन की प्रॉपर्टी में आ जाना है, इधर से प्रॉपर्टी टैब खोल के, और ये लाइन टैप स्केल को आपने इधर से थोड़ा सा उसका लाइन का स्केल सेट कर देना है NSL के हिसाब से, तो ये आपने प्रॉपर्टी के अंदर कर देना है, स्केप कर देना है। तो अभी हम आप देख रहे हैं कि ये जो NSL हमारे पास आया है ये हमारे पास इधर इसमें 3-4 सेक्शन इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये सबसे ऊपर ये हमारे पास जो आप लेफ्ट साइड के ऊपर देख रहे हैं ये हमारा कट में आ रहा है, उसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर ये हमारे पास सेक्शन फिल के अंदर आ रहा है, उसके बाद फिर ये NSL की लाइन जा रही है, ये जो सेक्शन आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास कट में है, और उसके बाद ये जो बाकी जो राइट साइड के ऊपर आपको सारा नज़र आ रहा है ये सारा फिल के अंदर है, तो ये हमारे पास सेक्शन इन्वॉल्व हो रहा है। इसी तरीके से कट एंड फिल दोनों सेक्शन इसके अंदर हो रहे हैं, उसके अंदर जो एरिया कैलकुलेट होंगे वो भी फर्स्ट 1 उसके बाद 2, 3 और 4 नंबर एरिया हम अलग अलग इसकी क्वांटिटी को बनाएंगे। तो हम सबसे पहले इसके स्लोप्स को बनाएंगे टीपी के सेक्शन के हिसाब से दोनों साइड्स के ऊपर। तो अभी आप देख रहे हैं कि राइट साइड के ऊपर हमारे पास फिल सेक्शन है, तो अभी आप देख रहे हैं कि फिल की जो स्लोप जा रही है वो हमारी 2:1 की जा रही है, बिल्कुल इधर रोड के एस से स्टार्ट हो रही है और टॉप पॉइंट तक जो जो NSL तक जो टॉप पॉइंट जा रहा है वो हमारा सारा 2:1 का जा रहा है। तो हमने इधर सबसे पहले इधर आ जाना है अपने पास, इधर आपने लैन की कमांड ले लेनी है, और इधर स्टॉप के ऊपर बिल्कुल जो आपका आउट मोस्ट पॉइंट आया आपने इधर से इसको F8 प्रेस करके स्ट्रेट कर देना है, और इधर से आपने 2 हॉरिजॉन्टल उसके बाद नीचे की तरफ 1 वर्टिकल आपने लगा के C प्रेस करके इसको क्लोज कर देना है, और ये ऊपर वाली जो लाइंस होगी इसको आपने कॉपी करके इसी इधर साइड के ऊपर कर देना है, और एक्सटेंड की कमांड ले लेनी है, और इधर से आपने इस लाइन को इधर एक्सटेंड कर देना है अपने NSL तक। इस लाइन को आप इधर से ये हमारे टॉप के ऊपर FRL के ऊपर आ रहा है, जैसे इस लाइन की प्रॉपर्टी को मैं चेंज कर देता हूँ, तो ये आप देखेंगे कि ये 2:1 की स्लोप हमारी इधर 2 पॉइंट तक इधर लग गई है। इसी तरह आपने एक्सटेंड की कमांड ले लेनी है, और ये जो ऊपर वाले जितने सेक्शन आपके जा रहे हैं जिस तरह आपके टीपी के सेक्शन के ऊपर ये सेक्शन पूरा जा रहा है इनको आपने इधर से एक्सटेंड कर देना है, पूरी लाइन्स को आपने इधर इस जगह तक एक्सटेंड कर देना है, उसके बाद ये जो वर्टिकल लाइन लगी है इसको दोनों लाइन्स को आपने इधर से ख़त्म कर देना है। तो ये आप ये देख रहे हैं कि ये पूरा जिस तरह आपका टीपी के सेक्शन के ऊपर जा रहा है इधर हमारे पास 2:1 की स्लोप जा रही है। अगर इधर आपके पास 1:1 की स्लोप है या 1.5 की स्लोप है उसके हिसाब से आपने इसको चेंज करना है। तो इधर हमारे पास 2:1 की स्लोप जा रही थी वो हमने इधर आखिर तक इसको लगा दिया है। इसके बाद हमने इसके दूसरी तरफ आ जाना है, इधर भी आपने इसी तरीके से इसकी लेयर को सिलेक्ट कर लेना है, जो जो सी इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, उसके बाद आपने
इधर आ जाना है कट वाला सेक्शन के ऊपर। आप ये देख रहे हैं कि ये कट वाला सेक्शन है, इधर आप ये देख रहे हैं कि इधर हमारे पास 1.5 की ये स्लोप जा रही है। ये जो लाइन आपको नजर आ रही है 1.5 की स्लोप जा रही है और ये 2 मीटर इसकी डेप्थ के अंदर, ये हमारे पास 2 मीटर उसकी डेप्थ है। उसके बाद ये 2 मीटर की हमारे पास इसकी ऊपर ये ड्रेन के मुतालिक बताया जा रहा है कि ये हमारे पास ड्रेन है इसके साथ, उसके बाद इसकी कट स्लोप इधर से स्टार्ट हो रही है। तो आपने इसी को सेक्शन को इसी तरीके से बनाना है। इधर आ जाना है आपने, सबसे पहले लाइन की कमांड ले लेनी है और इधर से आपने हॉरिजॉन्टल रख के इसको 1.5 आपने इधर रख के लाइन लगानी है हॉरिजॉन्टल। उसके बाद 1 आपने रखना है वर्टिकल और सी प्रेस कर देना है, तो ये हमारे पास इधर इसकी 1.5 की स्लोप आ जाएगी। उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन हमने लगाई है, इसका आपने ऑफसेट ले लेना है 2 मीटर का। आपको सेक्शन के ऊपर नजर आ रहा है कि 2 मीटर की इधर ड्रेन है, आपने 2 मीटर के इधर ऑफसेट ले लेना है। ये आप ये देख रहे हैं कि 2 मीटर इधर हमें बताया गया है इस सेक्शन के ऊपर। अगर आपके पास इस सेक्शन के ऊपर मेंशन नहीं किया गया तो ये आगे के उसकी जो डिटेल्स जाएंगी होंगी उसके अंदर ये आपको चीज़ मेंशन की गई होगी, सारा कुछ आपको ड्रेन के सेक्शन के हिसाब से बताया गया होगा। ये हाइट वगैरह आपने उधर से ले लेनी है, अगर वेरीज कर रही है हाइट यानी कि जा रहा है तो फिर उसकी स्लोप को आपने उसी तरह लेवल्स के ऊपर जो ड्रेन आपकी बनेगी उसके हिसाब से ये बनेगा। तो इधर हमारे पास जनरल सेक्शन है तो हम उसके हिसाब से बना रहे हैं। 2 मीटर की आपने इधर लाइन लगा देनी है और इस लाइन को आपने इसी तरीके से इधर आपने इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है। बड़ा करने के बाद आपने जैसे एक्सटेंड की कमांड ले लेनी है, ईएक्स एक्सटेंड की कमांड है। इस लाइन जो हमारी स्लोप वाली लाइन थी इस लाइन को आपने इधर बढ़ा देना है। ये आप देख रहे हैं कि इधर तक आ गई है हाइट, आप इधर से इसकी देखेंगे तो ये हमारे पास इधर 2 मीटर की हाइट आएगी। जैसे आप ये देख रहे हैं कि 2 मीटर की हाइट आ गई है। इसके बाद ये वर्टिकल लाइन लगी हुई है, इधर से आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो इस सेक्शन के ऊपर इसकी जो ये डायमेंशन जा रही है 2 मीटर की, ये हमारे पास इधर से इसके साथ जा रही है टॉप पॉइंट के बिल्कुल एंड के ऊपर से। तो आपने इधर हमारे पास ये टॉप पॉइंट आया, आप इधर से एक लाइन ले लें, इधर से लाइन आप एक स्ट्रेट लाइन इधर लगा दें और ऑफसेट की कमांड ले लें 2 मीटर की। 2 मीटर का ऑफसेट ले लें और उसको आपने इधर इसी तरह आपने इसका ऑफसेट लगा देना है। लगाने के बाद आपने ट्रिम की कमांड ले लेनी है और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को आपने दोनों को ख़त्म कर देना है। इन लाइन्स को भी आपने ख़त्म कर देना है और ये जो हमारी स्लोप वाली लाइन है इसको आपने थोड़ा सा इधर साइड के ऊपर रख देना है। इसके ऊपर आप अपना ये स्लोप को लिख सकते हैं। उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि 2 मीटर का हमने इधर सेक्शन बना दिया है। इसके बाद ये वाला जो सेक्शन आ रहा है इसको आपने एक्सटेंड कर देना है जिस तरीके से हमने उधर राइट साइड के ऊपर किया है। इन लाइन्स को एक्सटेंड करके आपने इधर बिल्कुल उस टॉप पॉइंट की लाइन तक आपने लगा देना है। इस तरीके से ये हमारे पास आ गई, ये हमारे पास 2.1 की स्लोप थी, ये हमारे पास 1.5 की स्लोप है। इसके बाद आप ये देख रहे हैं कि ऊपर हमारे पास स्लोप जा रही है 1.5 हॉरिजॉन्टल और 1 वर्टिकल के ऊपर कैच पॉइंट तक। तो आपने इधर इसी तरीके से ऊपर आ जाना है। इधर उधर आपने सिर्फ दोबारा लाइन की कमांड लेनी है, इधर हॉरिजॉन्टल 1.5 आपने लाइन लगा देनी है, उसके बाद आपने वर्टिकल साइड पे 1 करके और सी प्रेस कर देना है। और ये जो हमारे पास नीचे वाला पोर्शन आया इसको आपने थोड़ा सा इधर अलहदा कर देना है। और ये जो हमारे पास स्लोप आई है इसको आपने एक्सटेंड की कमांड ले लेनी है, ई एक्स शार्ट की है इसकी, और ऊपर आपने NSL तक मिला के इसके कैच पॉइंट को आपने बना देना है। तो ये आप ये सेक्शन को इसी तरीके से बनाएंगे, इन लाइंस वगैरह को आप इधर मूव करके इधर रख दें तो ये सेक्शन हमारा इसी तरीके से बनेगा। इस लाइन को भी मैं इधर रख देता हूँ इधर। तो इसके बाद आपने जैसे टेक्स्ट की कमांड ले लेनी है, टी की कमांड, और इधर आपने आ जाना है। इधर हमारे पास 2 है ऊपर, आपने इसको 2 कर देना है। इसका टेक्स्ट आप इधर से स्केल की मदद से भी छोटा कर सकते हैं, SC ले लें और जैसे आप इसका 0.5 के ऊपर मैं इसको छोटा कर देता हूँ। अभी भी ये थोड़ा सा बड़ा है तो आप ये देख रहे हैं कि इधर से मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद छोटा करूँगा, 0.50 की मज़ीद मैं कर देता हूँ। तो ये मेरे पास इसकी स्केल सेट हो जाएगा, 2 कर देना है। उसके बाद आपने इसी को कॉपी करना है और सेम टू सेम इधर नीचे आ जाना है और इधर आपने इसकी स्लोप जो आ रही है 1 आपने लगा देनी है, 2.1 की स्लोप आ जाएगी। इसी तरीके से इस टेक्स्ट को आपने दोबारा कॉपी कर लेना है, लगाने के बाद ऊपर आ जाना है, इधर लगाना है इसी तरीके से इस साइड के ऊपर, और इसी तरीके से इधर आपने इसको लगा देना है। लगाने के बाद आपने इधर इसकी स्लोप आ रही है हमारे पास 1.5 की और ये स्लोप है हमारे पास 1 की। आपने इसको इसके स्लोप्स को इसी तरीके से इधर इनको चेंज कर देना है। हॉरिजॉन्टल जो स्लोप जा रही है 1.5 और वर्टिकल जो है वो 1 है, तो आपने इधर इसको 1 कर देना। तो ये आपने स्लोप्स वगैरह सारी इधर इसी तरीके से लगा देनी है। उसके बाद ये देख रहे हैं कि इधर हमारे पास जो हमने पेवमेंट की जो स्लोप बनाई थी हमारे पास है 2% की, -2% की। तो आपने इधर आ जाना है और LE लीडर की कमांड ले लेनी है और जैसे आपने एक लीडर को इधर इसी तरीके से लगाना है, F8 प्रेस कर देना है, इधर आप इसको लगा दें, उधर से आप इसको डबल क्लिक कर दें तो ये हमारे पास इधर इसका स्केल आ जाएगा। आप इसका स्केल छोटा या बड़ा जितना भी अपने सेक्शंस के हिसाब से करना चाहते हैं उस सेक्शन के हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दूंगा तो ये सेक्शन हमारे पास
इसी तरीके से ये बड़ा और छोटा इधर होता जाएगा। इसकी डायमेंशंस वगैरह आप इधर से भी कर सकते हैं और प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आके उधर से भी आप इसकी डायमेंशंस वगैरह को चेंज कर सकते हैं। तो ये हमने इधर इसकी स्लोप लगा दी है, आपने इसको इधर इसी तरीके से एडजस्ट कर लेना है तकरीबन अपने सेक्शन के सेंटर के ऊपर आके। और जैसे ये जो आपने टेक्स्ट लिखा था नीचे ये वाला स्लोप वाला, इसको स्लोप को टेक्स्ट को आप इधर से कॉपी कर लें और इधर इसको आप बिल्कुल एग्जैक्ट इसके ऊपर इधर लगा दें। और जो स्लोप आपकी ड्राइंग के अंदर दी गई है -2% की, तो वो स्लोप आपने इधर -2 के हिसाब से इधर लगा देनी है। इसका टेक्स्ट वगैरह थोड़ा सा एडजस्ट कर देना है। उसके बाद MI मिरर की कमांड ले लेनी है, MI इसकी शॉर्ट की है। इस पूरे सेक्शन को आपने सेलेक्ट करना है, कर लेना है और ऊपर से इधर ये सेंटर लाइन को आपने सेलेक्ट करके और इसके बिल्कुल एग्जैक्ट सेकंड दूसरी तरफ आपने इसको क्लिक करके और सेम टू सेम जगह के ऊपर आपने इसको इधर लगा देना है। ये हमारे पास स्लोप दोनों साइड्स के ऊपर इसकी लग जाएंगी, आपने स्लोप्स को लगा देना है। इसके बाद हमने इसके NSL नीचे लिखने हैं और उसके बाद इसके एरिया को कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमें लिप्स कमांड की ज़रूरत होती है। AP की एप्लीकेशन के कमांड में आप चले जाएं इधर, तो ये मैं 3 लिप्स कमांड्स मैंने अपलोड की हुई है इसके अंदर, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर रख दूंगा। ये 3 लिप्स कमांड हम यूज़ करेंगे। इसका तरीका कार मैं पहले बता चुका हूँ, आपने इधर ऐड पे आ जाना है और इन तीनों को सिलेक्ट करके इधर ऐड कर देना है। इसको ऐड करने के बाद क्लोज कर दें और ऑटो कैड को दोबारा इंस्टॉल कर दें, तो ये आपके पास लिप्स कमांड इधर एक्टिव हो जाएगी। तो जो लिप्स कमांड होगी हमारी, जो हमारी सबसे पहले लिप्स कमांड होगी NSL के लिए, उसको हम यूज़ करेंगे PRL की कमांड के ऊपर। तो अब ये देख रहे हैं कि हमारी पहली जो PR की कमांड के नाम से चलेगी, दूसरी हमारी CD के नाम से चलेगी जिसके ऊपर हम डिस्टेंस एलिवेशन लिखेंगे, तीसरी कमांड हमारी एरिया की क्यू के ऊपर चलेगी क्यू के नाम से। ये तीनों कमांड्स हमारी इन्हीं नाम्स के ऊपर चलेंगी जो आपको इधर सामने नज़र आ रहे हैं। आप अपनी जो भी आपके पास लिप्स है इसके अलावा आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले हम इसके PR कमांड को यूज़ करते हैं, कमांड लिखने के बाद इंटर कर दें, ऊपर से NSL लाइन को आप सिलेक्ट कर लें, इधर से आ जाएं और इधर से दोनों सेंटर के ऊपर आप इसको इधर क्लिक कर दें, तो ये आप देखेंगे ऊपर हमारे पास इसका एलिवेशन और नीचे हमारे पास डिस्टेंस आ गया है। इधर ये टेबल आपने इसी तरीके से बना लेने हैं। उसके बाद ये हमने टेक्स्ट इधर लिखा था पहले, इस टेक्स्ट को आप इधर से कॉपी कर लें और इसको मैच प्रॉपर्टी के ज़रिए इन सारे टेक्स्ट का साइज़ भी आप इधर से बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, आप डायमेंशन में भी जाके इसको कर सकते हैं। उसके बाद आप इसकी सेटिंग कर दें, इसको थोड़ा सा आप सेंटर के अंदर इधर से ले आए तो ये सारे हमारे NSL इधर ड्रा हो जाएंगे नीचे। इसके बाद आपने इधर इसी तरीके से जो ऊपर टॉप के ऊपर लिखने हैं वो हम CD की कमांड के ऊपर चलेंगे, लिप्स कमांड है CD की। आपने इधर से इसी तरीके से इन लाइंस के ऊपर इधर इसके एलिवेशन डिस्टेंस वगैरह लगा देने, इसके डिस्टेंस वगैरह जो भी आप लगाना चाहते हैं, जितना भी आप इसका साइज़ वगैरह सेट करना चाहते हैं वो आप कर दें। इसकी थोड़ी सी स्केल आप इसका थोड़ा सा इधर बराबर रखें। इसी तरीके से आप ये देख रहे हैं कि ये पॉइंट हमारे पास सब ग्रेड बॉटम का, आप इसका भी लगा देंगे इधर से, इसी तरीके से इसका सेंटर लाइन और इसी तरीके से सब ग्रेड टो वगैरह भी आप इधर लगा दें। उसके बाद कैच पॉइंट इधर ये मैच कर रहा है, इसका भी टो पॉइंट आपने लगाना है। इसके बाद ये जो पॉइंट है हमारे ड्रेन का, इन पॉइंट्स को भी आपने इधर इसी तरीके से इस डिस्टेंस और एलिवेशन को लगा देना है और ऊपर आपने इसका जो कैच पॉइंट बन रहा है उसका भी आपने इधर लगा देना है। तो ये आप ये देख रहे हैं कि सेक्शन सारे इसी तरीके से आपने लगाने, इसके बीच में भी आप कोई एलिवेशन वगैरह आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप उसको इसी कमांड के ज़रिए इधर लगा सकते हैं। कोई भी आप डिस्टेंस एलिवेशन जो जो से भी आपको क्लाइंट या कंसल्टेंट की तरफ से डिमांड आती है कि आपने लगाना है तो आप इसी तरीके से उनके भी लगा सकते हैं, इन सब के कैच पॉइंट्स वगैरह भी आप लगा सकते हैं। तो ये इसको लगाने के बाद ये हमारा इधर सेक्शन कम्प्लीट हो गया। अभी हमने इसके जो है वो एरिया कैलकुलेट करने हैं। सारे एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपने कॉपी की कमांड ले ली है, CO की कमांड ले लें कॉपी। इस सेक्शन को आपने इधर से पूरा सेक्शन को आपने इधर से सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक करके इधर पेस्ट कर देना है। इसके अंदर जो टेक्स्ट वगैरह है वो सारा आप इधर से ख़त्म कर दें, इसकी ज़रूरत हमें एरिया निकालने के लिए नहीं है। ये मैं आपको अलहदा बता रहा हूँ, अगर आप इसके बीच में भी करना चाहते हैं तो ये आपका एरिया उधर से कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन इधर से मैं थोड़ा सा इस सेक्शन को ज़रा क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको इसके एरियाज की समझ अच्छी तरीके से आ जाए कि आपने ये एरिया कैसे कैलकुलेट करने होते हैं। इसके अंदर जो जो से भी एरिया हमारे पास आएंगे उन सारे एरियाज़ को हमने इधर से कैलकुलेट करना। तो अभी आप देख रहे हैं कि टेक्स्ट वगैरह मैंने इधर से सारा ख़त्म कर दिया है, ये हमारे पास जस्ट इधर सेक्शन रह गया। इधर आप ये देख रहे हैं कि नंबर 1 के ऊपर हमारे पास ये क्राइटेरिया आ रहा है,
सेकंड नंबर के ऊपर हमारे पास ये फिल एरिया आ रहा है इधर से नीचे, ये हमारे पास एनसर नीचे जा रहा है, ये हमारे पास इधर फिल एरिया के ऊपर आएगा। थर्ड नंबर के ऊपर फिर हमारे पास इधर काट एरिया आ रहा है, और फोर्थ नंबर के ऊपर फिर हमारे पास इधर इसका फिल एरिया आ रहा है। तो ये हमने सारे एरिए अलग अलग कैलकुलेट करने हैं। जो से भी आपके पास इस किस्म के जितने भी क्रॉस सेक्शन आते हैं, जो जो से भी फॉर्मेट के ऊपर आपके एनसर जा रहे हैं, आपके जितने भी पॉइंट बढ़ रहे हैं, आपने सबके एरिए अलग कैलकुलेट करने होते हैं इस सेक्शन के हिसाब से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ये ज़रूरी सेक्शंस का एक सब्जेक्ट होता है, जिसके अंदर के ये कंप्लीट इसकी वर्किंग होती है। वर्किंग थोड़ी सी ज़्यादा आ जाती है, आपने सबको इसी तरीके से करना है जिस तरीके से अभी मैं करता जाऊँगा। तो अभी हम इसको कॉपी कर लेते हैं इसके सेक्शंस को, ताकि हम इसके सारे सेक्शंस को अलग अलग थोड़ा सा हम इसका बना दें। टू नंबर पर आ गया, या थ्री नंबर के ऊपर आ गया, और या फोर नंबर के ऊपर आ गया। हमने फोर एरिया कैलकुलेट करने, ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दूँ। एक और मैं सेट को कॉपी करके उधर ऊपर भी रख देता हूँ, ताकि ये ओरिजिनल सेक्शन हमारे पास सामने रहे। तो इधर से आपने सबसे पहले TR की मैं कमांड ले लेता हूँ, तो ये सेक्शन को मैं इधर से ख़त्म कर देता हूँ। ये सेक्शन को आप ये देख रहे हैं कि ये सेक्शन खत्म हो गया, ये हमारे पास इधर आ गया कट वाला सेक्शन। कट वाला सेक्शन के अंदर जो हमारा कट जा रहा होता है, वो हमारा बॉटम ऑफ सबग्रेड तक होता है। ये हमारी जो लाइन लगी है, ये हमारी बॉटम ऑफ सबग्रेड की लाइन लगी हुई है। कट वाला जो सेक्शन होगा, इधर आप ये देख रहे हैं कि इधर कट वाले सेक्शन के अंदर सबग्रेड की इधर आटो उसके अंदर टिपिकल सेक्शन के अंदर डिटेल दी गई होती है। इसकी जो दो लेयर्स होती हैं वो कट एरिया के अंदर आती हैं, लेकिन इसकी जो फिल कट भी आएगा, और उसको हमने फिल के अंदर भी इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए आपने इधर से ये जो ऊपर वाला पोर्शन हमारा जितना जा रहा है, इस सारे पोर्शन को आपने इधर से ख़त्म कर देना है। ये अरेस कर देना है उसको, इस पॉइंट को भी आपने अरेस कर देना है। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक इधर से बॉटम ऑफ सब ग्रेड से लेके पूरी इधर एक बाउंड्री हमारी इधर ये क्रिएट होगी। ये सारी अभी हमने जो पार्ट पहला कट एरिया आएगा, वो हमने इसका निकालना। आपने इधर से क्यू की कमांड ले लेनी है, ये हमारी लिप्स कमांड है। आपने इसको इधर से क्लिक करना है और ऊपर एक जगह पर लिख देना है, ये हमारे पास एरिया आ गया कट का एरिया 1.1814। ये हमारे पास एरिया आ गया कट का। इसके ऊपर आपने तो उसके बाद हम सेकंड नंबर पोर्शन के ऊपर आ जाते हैं। ये हमारा फिल वाला एरिया आप देख रहे हैं कि ये सेक्शन हमने इधर से इधर तक पहला लिया था, सेकंड नंबर के ऊपर ये हमारा आ रहा है फिल वाला एरिया। ये हमारे पास सबग्रेड की लाइन जा रही है। सबग्रेड का बेसिकली जो एरिया होता है, वो हमारे पास इधर फिल के अंदर आता है, लेकिन हम सबसे पहले इस फिल वाले एरिया को हम ये नीचे वाले पोर्शन को इधर से क्लिक करके और इधर ऊपर इसके साथ इधर लिख देंगे, ये फिल एरिया हमारा आ गया 1.72। ये इसके साथ मैं इधर लिख देता हूँ फिल, ये हमारे पास फिल एरिया आ गया, ये हमारे पास था पहला कट एरिया का। ये सारे एरिया आपने इसी तरीके से लिखना है। तो ये आपकी हेल्प के लिए मैं इधर से लिख रहा हूँ उसको। ये हमारे पास कट एरिया है, कट एरिया इज इक्वल टू 1.8144। फिल एरिया आ गया हमारे पास 1.72। ये इस पोर्शन का, ये जो नीचे वाला पोर्शन था इसका सिर्फ, ये इसके अंदर से मैं बाकी आपकी हेल्प के लिए ये सारा इधर से मैं ख़त्म कर देता हूँ, ताकि ये इसके ऊपर हमें प्रॉब्लम ना हो। ये इसको मैं इसी तरीके से आपके ऊपर इधर रख दूंगा। तो ये आपने जो फिल एरिया लिया, ये हमारे पास सिर्फ फिल एरिया इस पोर्शन का आया। ये इसको भी मैं इधर से ख़त्म कर देता हूँ, ताकि ये चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो ये आप देख रहे हैं कि पहला हमारे पास कट एरिया था, दूसरा हमारे पास फिल एरिया आया। तो ये इन चीज़ों को मैं इधर से ख़त्म कर रहा हूँ, ताकि आप आसानी के साथ इस सिस्टम को समझ सके। तो ये हमारे पास कट एरिया था, दूसरे नंबर पर हमारे पास इधर फिल एरिया था, तीसरे नंबर के ऊपर हम आ जाते हैं, ये हमारे पास फिर कट एरिया आ गया। आप ये देख रहे हैं कि ये इधर से NSL की लाइन ऊपर जा रही है और ये जा रहा है। तो इस ये जो दरमियान वाला थर्ड नंबर के ऊपर कट एरिया होगा, इसके अंदर भी आपने ट्रिम की कमांड ले लेनी है, और ये इधर से जो ऊपर वाली लाइन जा रही हैं, इन सबको आपने इधर से ट्रिम कर देना है बिल्कुल उस जगह तक जिधर तक हमारे पास NSL की लाइन जा रही है। आप ये देख रहे हैं कि ये पूरा पोर्शन हमने इधर से इसको क्लियर कर दिया, सारा उसको कट कर दिया, ये क्लियर कर दिया। ये थर्ड नंबर को हमारा काट कर दिया। आपने दोबारा क्यू की कमांड लेनी है, इस पोर्शन को आपने सेलेक्ट करना है, और उसके ऊपर आपने इधर इसको सिलेक्ट करके इधर एरिया लिख देना है। ये हमारे पास काट एरिया नंबर टू आ गया, कट एरिया ये टू आ गया। कट टू इज इक्वल टू मैं कर देता हूँ 54.93। ये हमारे पास सेकंड नंबर पर जो आया कट एरिया आ गया। इसी तरीके से इस पोर्शन को मैं इधर से ख़त्म कर दूंगा, इस सेगमेंट को, ताकि ये चीज़ आप सामने इधर ज़रा क्लियर हो जाए। तो ये आपने इसी तरीके से ये इन चीज़ों के ऊपर अच्छे तरीके से आपने इसको समझ लेना है, इन तरीक़ाकार के ऊपर, क्योंकि ये जो हमारे क्राइटेरिया मल्टीपल जो फिल और उनको हमने कैसे कैलकुलेट करना होता है। तो अभी आप ये देख रहे हैं कि ये सबसे पहले हमारे पास क्राइटेरिया था, फिर उसके बाद हमने फिल एरिया किया, उसके बाद क्राइटेरिया नंबर टू, उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि थर्ड नंबर के ऊपर वापस इधर क्राइटेरिया फिल एरिया जा रहा है। फिल एरिया को भी हमने इसी तरीके से ये जो नीचे वाला पोर्शन है, इसका सब ग्रेड से नीचे वाला, इस पोर्शन को हमने इधर सेलेक्ट करना है, ऊपर आ जाना है, और ये इधर इसका एरिया लिख देना है। तो ये हमारे पास फिल एरिया आ गया नंबर टू, इज इक्वल टू आ गया ये 75.79। तो इधर से मैं इस पोर्शन को इधर से ख़त्म कर दूंगा,
ताकि ये आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें इन एरियाज के मुतालिक इन चीज़ों के हिसाब से। तो अभी आप ये देख रहे हैं कि ये हमने चार किस्म के एरिए निकाली, अभी हमने एक एरिया इसके अंदर और निकाल लिया, तो ये भी इधर तक आपको समझ आएगी। इसके बाद हम आ जाते हैं इधर, तो ये आप देख रहे हैं कि ये हमारी सब ग्रेड की लाइन जा रही है, ये जो लाइन जा रही है नीचे वाली सब ग्रेड की लाइन है। सब ग्रेड जो होता है वो हमारा फिल के अंदर आता है। इधर हमने कट के अंदर भी जो एरिया लिया था वो हमने बॉटम ऑफ सब ग्रेड तक लिया था, फिल वाला जो एरिया लिया है वो भी हमने बॉटम ऑफ सब ग्रेड तक लिया है। इसी तरीके से इसके ऊपर भी हमने बॉटम ऑफ सब ग्रेड तक हमने ये सारे एरिया कैलकुलेट किए हैं। इसके ऊपर जो फोर्थ नंबर के ऊपर एरिया होगा, इस एरिया को आपने, ये जो पूरा पूरा एरिया जा रहा है ये इस पोर्शन के अंदर, इसको आपने इधर से ख़त्म कर देना है। इस लाइन को भी, इस लाइन को भी आपने ख़त्म कर देना है, और ये वाली जो लाइन जा रही है इसको भी आपने ख़त्म कर देना। तभी आप देख रहे हैं कि ये लाइन हमारी इधर से कंटिन्यू हो गई है। आपने इन लाइंस के अंदर क्यू की कमांड ले लेनी है, और ये जो सब ग्रेड की हमारी लाइन जा रही है स्नैप आपने ऑफ कर देना है, और इधर आपने सेंटर में इधर प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपने इधर इधर इस दोबारा उसको पेस्ट कर देना है, उसका एरिया लिख देना है। ये एरिया नंबर फिल एरिया नंबर 3 आ जाएगा हमारे पास, फिल वाला, ठीक है। तो ये अभी आप देख रहे हैं कि हमने इधर 5 एरिया निकाले हैं। इसमें सारे एरिए अभी आपने कट वाला जो एरिया है वो कट के अंदर जमा कर देना, फिल वाला जो एरिया है वो फिल के अंदर जमा कर लेना। तो अभी हम सबसे पहले कैलकुलेटर को अपना इधर ओपन कर लेते हैं। अभी हमारे पास कट एरिया नंबर 1 है, ये आप ये देख रहे हैं कि 118.44, तो आपने 118.44 लिखना है, प्लस करना है। उसके बाद आपने नीचे ये कट 2 एरिया के ऊपर आ जाना है, प्लस करने के बाद 54.93 ये हमारे पास एरिया आ रहा है, ये इधर आपको इधर नज़र आ रहा है, ये कट एरिया नंबर 2। तो ये दोनों एरिया को आपने इधर आपस में प्लस कर देना है, 173.37 हमारे पास टोटल कट एरिया आ गया। आपने इसको कॉपी कर लेना है, और इधर आके आपने इसको कंट्रोल वी करके इधर पेस्ट कर देना है। ये आप कैलकुलेटर के ऊपर लिख रहे हैं तो आपने इधर से लिख देना है, तो आपने इधर इधर लिख देना है कट एरिया हमारे पास आ गया, टोटल कट एरिया हमारे पास आ गया 172.37। आपने इधर इसको जमा करके इधर लिख देना है, ये हमारा क्रॉस सेक्शन के ऊपर कट एरिया आ जाएगा इस सेक्शन का। उसके बाद फिल एरिया हमारे पास 3 है, 1, 2 और ये 3। तो आपने इसी तरह कैलकुलेटर को ओपन कर लेना है। इधर से सबसे पहला जो एरिया था हमारे पास फिल एरिया वो था 1.72 का, तो आपने इधर से इसको ख़त्म कर देना है, और पहला एरिया 1.72। उसके बाद आपने प्लस करना है एरिया नंबर 2, ये था हमारे पास 75.79, तो 75.79 आपने प्लस कर देना। थर्ड नंबर के ऊपर हमारे पास एरिया आया था ये ऊपर सब ग्रेड वाला, तो ये हमारे पास आया था 10.13 आपने इधर से लिखना है और इक्वल टू कर लेना है, तो ये आ जाएगा 87.63 फिल एरिया। आपने इसको इधर से कॉपी कर लेना है, विंडो का कैलकुलेटर अगर यूज़ कर रहे हैं तो इधर से कॉपी करने के बाद जस्ट इस कमांड को आपने नीचे इधर ले आना है, इधर आपने एरिया के ऊपर इसको रिप्लेस कर देना है, कंट्रोल वी कर देना है, या आप इधर से इसको पेस्ट कर सकते हैं। और इधर आपने इसकी डिस्क्रिप्शन जो है फिल एरिया कर देना है, फिल एरिया ये हमारे पास स्क्वायर मीटर्स के अंदर दोनों एरिया आएंगे, तो स्क्वायर मीटर के अंदर आ गया, और ये कट एरिया भी हमारे पास इधर स्क्वायर मीटर के ऊपर ये आ गया। तो स्क्वायर मीटर के ऊपर या स्क्वायर फिट के ऊपर अगर आप क्रॉस सेक्शन फिट्स के ऊपर बना रहे हैं तो इधर आपने स्क्वायर फिट लिख देना है, मीटर के ऊपर बना रहे हैं तो स्क्वायर मीटर। सेक्शन बनाने का तरीका कार फिट्स या मीटर के अंदर सेम टू सेम ऑटो कैड के अंदर इसी तरह का है, अपने कोई यूनिट नहीं चेंज करना होता, आपकी वैल्यूज़ के हिसाब से वो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें बन जाती हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि इसके अंदर हमने कट और फिल जो मल्टीपल होते हैं इस सेक्शन के अंदर, हमने सारी डिटेल में पूरा क्रॉस सेक्शन बनाने के, इसका कट एरिया फिल एरिया हमने कैलकुलेट किया पूरा, ये इसके कट और सेक्शन का, कट और फिल सेक्शन को हमने क्रिएट किया। इसके अंदर जो जो से भी क्रॉस सेक्शन का एरिया आ रहा था ये सारा आपने इसी तरीके से अलग अलग कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करने के बाद आपने प्लस करके इस सेक्शन के अंदर रखना है। तो इधर ये जो सेक्शन आपके बने हुए होंगे, इधर आपने जो जो से भी एरिया कैलकुलेट करना है उसको आपने अलग अलग इधर रख देना है। पहले मैं बताता चलूँ कि हम इंजीनियरिंग की सर्विसेज को फ्राहम करते हैं, जिसके अंदर हम लैंड डिमार्केशन है आपके पास, रोड कैनाल सेक्शन हैं, उसके डिज़ाइन वगैरह हैं, एज बिल्ड सर्वे, उसकी ड्राइंग्स वगैरह, इसी तरह बिल्डिंग्स, मल्टी स्टोरी प्लाजा है, लैंड डेवलपमेंट प्लानिंग है जिसके अंदर हम टाउन प्लानिंग, सोसाइटी प्लानिंग से लेके उसके सीवरेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, वाटर सप्लाई सिस्टम, जो भी आप काम करवाना चाहते हैं, टॉपोग्राफिकल सर्वे, पाकिस्तान के अंदर किसी जगह के ऊपर भी आप टॉपोग्राफिकल सर्वे हमसे करवाना चाहते हैं तो हम आपको GPS के जरिए और टोल स्टेशन के जरिए सारी सर्विसेज फ्राहम करते हैं। गूगल सर्विसेज हैं आप KMZ KML फाइल अपने एरिया की, इसी तरीके से खसरा प्लान के ऊपर जो जो भी आप चीज़ बनवाना चाहते हैं वो सारी की सारी वर्किंग हम आपको अच्छे तरीके से करके दे सकते हैं। हाउस प्लान है, इंटीरियर डिज़ाइन वगैरह के लिए भी मुकम्मल टीम हमारे पास मौजूद है, तो ये सारी वर्किंग हम आपको बहुत अच्छे तरीके से करके दे सकते हैं। इसके लिए आपके पास इधर मेरे पर कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, व्हाट्सअप नंबर भी है, आप मुझे पाकिस्तान से बाहर हैं तो व्हाट्सअप और मेल भी कर सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी
आप मुझे कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये कंप्लीट सर्विसेज हम आपको फ्राहम करते हैं। कोई भी आपने कलवर्ट्स का डिज़ाइन बनाना है, शॉप ड्राइंग्स वगैरह बनानी है, आपने कलवर्ट्स के बार बाइंडिंग शेड्यूल्स वगैरह, किसी भी किस्म के बार बाइंडिंग शेड्यूल्स वगैरह आपने बनवाने, तो हर किस्म की सर्विसेज हम आपको फ्राहम करते हैं। तो जो भी आपने काम करवाना है या आपको कोई दोस्त यार काम करवाना चाहते हैं, तो आप मेरा नंबर उनको रिकमेंड कर दें और हम उनको अच्छे तरीके से पूरी कंप्लीट वर्किंग करके देंगे। तो ये आपको अभी समझ आ गई होगी पूरे क्रॉस सेक्शन की। ये मेरी क्रॉस सेक्शन के ऊपर तीसरे नंबर की वीडियो थी, जिसके अंदर मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों की डिटेल बताई। सबसे पहले फेल एरिया के ऊपर, सेकंड नंबर के ऊपर इसके कट एरिया के मुतालिक, कट एरिया क्रॉस सेक्शन आप कैसे बना सकते हैं, इसका एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और आज थर्ड नंबर के ऊपर कट एंड फिल मुख्तलिफ सेक्शन, आपने सेक्शन को उसको कैसे बनाना है, इसके एन एस एल वगैरह उसके एरिया वगैरह आपने कैसे कैलकुलेट करने हैं। ये सारी फोल्डर मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर रख दूँगा, आप उधर से उसको डाउनलोड कर सके और अपने इस्तेमाल के अंदर लेकर आ सकते हैं। मैं अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।